शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे बाप रे, मर गया, मर गया। अरे अरे अरे, अरे। अजीब पागल मरीज है, इसे इंजेक्शन दिया भी नहीं और चिल्ला के चला गया। मेरी समझ में नहीं आता ये गांव वाले मुझे इंजेक्शन लगाने क्यों नहीं देते। नेक्स्ट। राम राम तोला राम है, ये क्या बदतमीजी है। राम राम सियाराम कहा जाता है और तुम राम राम तोला राम कह रहे हो। नहीं नहीं, राम राम हम आपको कह रहे हैं और तोला राम हम अपना नाम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा बताओ कि तकलीफ क्या है। बहुत वाहियात तकलीफ है साहब। जरा हाथ दिखाओ। उल्टी जुलाब होते होंगे। हट, उल्टी जुलाब तो बच्चा लोग करते हैं, हमको क्या उल्टी जुलाब होगा। बहुत ज्यादा कपकपी होती होगी, बदन ऐसे कांपता होगा जैसे चिपकली की कटी दुम। अरे नहीं, कहाँ कटी भी दुम हिला रहा, कोई दुम नहीं हिलती यार। अच्छा अच्छा, तो क्या बीमारी है बताओ तो। शर्म आती है साहब। हाँ, गुप्त रोग है। हट, क्या गंदी गंदी बात करते हो, तेरी माँ बहन नहीं है का। सुनो। अरे नहीं बाबा, है सब है, का ऐसी बात नहीं करो यार। अरे फिर अपने मुंह से बताओ ना क्या बीमारी है। तो बताते हैं, हमारे वहाँ तकलीफ है। हाँ? आँखों में, जैसे ही 12 बजते हैं ना तो हमारी आँखों में एक्सरे मशीन लग जाती है और हमको सामने वाला एकदम नंगा दिखाई देने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें सब लोग नंगे नजर आते हैं। अच्छा मजाक है। अच्छा नहीं, मजाक नहीं है, क्या बात करते हो साहब। ये हमारी खानदानी बीमारी किताब में कहाँ ढूंढ रहे हो, किताब में थोड़ा ही मिलेगा, हमारी जबान में मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब बताओ तुम्हें क्या होता है। अरे साहब, हमारी तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही 12 बजता है ना तो हमारे सामने जो आदमी खड़ा होता है उसके खट 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 एक एक करके सब कपड़ा गायब हो जाता है। अब जैसे आप अभी 12 बजे अगर आप हमारे सामने खड़े रहें तो आपका ये कोट, ये कमीज, ये पतलून सब गायब हो जाएगी और आप हमको खाली चड्डी में दिखाई देंगे, वो भी अगर आपने पहनी हो तो। वेरी गुड जोक, वेरी गुड जोक, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अरे सुनो भाइयों, ये नया मरीज आया, इसकी आंखों में एक्सरे लगा है, कहता है 12 बजे इसे सब लोग नंगे नजर आते हैं। नंगे। देखो तुम्हारी तरफ क्या देखो, फटी हुई चड्डी पहन के खड़ा बोलते मेरी तरफ देखो। फटी हुई और क्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फटी चड्डी पहनी है। तुमने पीली चड्डी, नीली और पीली धाड़ी वाली नहीं पहनी हुई है। इसको कैसे पता चला। मैंने पहले बोला आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं, आंखें बंद करूंगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर चड्डी भी गायब हो जाएगी, पूरे नंगे दिखाई दोगे। अरे बाप रे, आंखें ढक लो ना हाथों से। अगर हाथों से आंखों को ढकूंगा तो मेरे को दीवार की उस तरफ का दिखाई देगा। हां दिखाऊं। क्या हुआ। जी 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 जी, तोबा तोबा तोबा, डॉक्टर साहब आपके पास जहर है। क्यों? फौरन पी लो एक गिलास। नहीं लेकिन क्या हुआ। उधर है ना आपका कंपाउंडर, आपकी बीवी को है ना। अच्छा अच्छा, वो पप्पी बोरी है कलाइया पहना दो तुझे हरी हरी चूड़ियां। मैंने सही कहा था ना। तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसका मतलब हम सब नंगे। अरे पूरे नंगे दिखाई दे रहे। भागो, भागो। भगवान, ये हमारा बाप कैसा नंगों का खानदान पैदा कर दिया है। एक भाई को नंगा देखने की बीमारी है तो दूसरे भाई को नींद में चलने की बीमारी है। खन, खन। सारी रात नहीं सोने देती, रात भर खर्राटे भरती रहती है, मानो इंजन में कचरा भर गया हो। हट। भगवान बचाए ऐसी जरूर से औरत है कि आफत।
आह करे तो कलवा के बापू। लो खर्राटे के साथ नींद में बोलने की भी बीमारी हो गई है। अरे भगवान बचाए ऐसी जोरू से। छोड़ो ना जी, अभी तबीयत ना ही है ना। तेरी तबीयत तो मैं ठीक करता हूँ। अबे भोला तू, तेरी ये हिम्मत। मैं कहा हूँ अभी तो यही हो बचवा, थोड़ी देर में ऊपर पहुँचाई दूंगा। ये मचा ऐसा मत करो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे छोड़ दो ना दादा जी। मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो दादा जी। अबे मैं छोड़ दो, अबे कुछ नहीं करा था। अरे भाग के कहाँ जाओगे हराम को, तुमको चिंता ना छोड़ेंगे। अरे भागत कहाँ हराम को, क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अरे दादा दीन काहे मार रहे हो बेचारे को? अरे मारने दो, तोरे बाप का काहे जाता है। वैसे दादा दीन इसने किया क्या था? अरे लाला किया क्या था? किया ये था कि हमारी बीवी से लिपट लिपट के चुम्मा ले रहा है। वो तो नींद में हम उठ गए, खटका भाया, वरना हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। अरे अरे हम कहते हैं माँ जूता लेके उसमें घोड़ा के नाल लगा के गपा गप मार मार के उसका टकला तला सुझाई दो, ये हमारी नाक कटवाए के गांव में फेंकवाई देगा। अबे तोले तोले, तू जो हर रोज 12 बजे पनघट पर नजारा करता है, वो तो हम बीमार हैं। हाँ बीमारी का मजा लूटता है, उससे क्या खानदान की नाक लंबी हो जाती है क्या? हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे उस दिन 12 बजे तू उस मुरली की बीवी को नहीं देख रहा था? हे भगवान, अरे बुरा हो इनके बाप का। अरे इन दोनों की बीमारी इनके बाप को भी थी, मरने से पहले बीमारी का बंटवारा करके चला गया, अब जायदाद का बंटवारा करता तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अम्मा तो इनकी शादी काहे नहीं करवा देती? दोनों इधर उधर मुंह मारना बंद कर देंगे। अभी ने कौन समझाए, मुझसे कहते हैं जब तक इनके सपनों की रानी नहीं मिलेगी तब तक ये शादी नहीं करेंगे। लूट गई? अरे मुझे लूट लिया रे। अरे बाप रे, अरे बिजली लूट गई, बिजली लूट गई, लूट गई। अरे कौन लूट गई, कौन लूट गई, कौन लूट गई, कौन लूट गई? बिजली लूट गई। कहीं रात को सोते में तूने तो नहीं लूट लिया? नहीं, मैं रात भर उसकी तरफ देखकर जाग रहा था। तूने तो नहीं लूटा? नहीं, मैं तो रात को आंखों के डॉक्टर की मैयत में गया था। फिर किसने लूटा? चल 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 के पूछते। तुम? अरे राम राम, मैंने कहा लूटा भैया? मैंने भी नहीं लूटा भैया, मैंने नहीं लूटा। सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी तो तकदीर ही खराब है। यहाँ लूट मार मची थी, हमको पता ही नहीं चला। का गांव वालों ने लूटा? नहीं, हमारे साथियों ने लूटा ना। फिर का लूटा? हमारा पूरा पैसा लूट लिया ना। पैसा लूट लिया? ये तोरा सत्यानाश हो। वो हमारा भाई कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। जिंदगी भर की पूरी कमाई लूट ली अम्मा, अब हम क्या करें? पेना, अब हम उनको कहाँ ढूंढे? हमरा इस दुनिया में कौनो नहीं, हम कहाँ जाए, कहाँ रहे? हमरे घर में आ जाओ, हमरे घर में। बहुत जगह है, बहुत जगह है। वो नहीं, वो भैंस भैंस के पिछवाड़े नहीं। बेटी, आज से तुम हमारे गांव में रहोगी और ये सब गांव वाले मिलके तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। काम करना। हमारे खातिर कितना कष्ट उठा रहे हैं आप लोग। अरे कष्ट की कोनो बात नहीं रानी, एक इशारा कह दो कसम से जान दे दे तोरे बदले। हाँ ना ना, ऐसा मत करना। जान दोगे तो हमारे घर की जगह तोरी कब्र बनानी पड़ेगी कसम से। मोरे भैया के कमरे में दरवाजे का काम है, मोरे भैया के। दिखता नहीं का? तो देख के खड़े रहो, गिर रहा है। किसका दरवाजा उठा लाए? अपने भाई के कमरे का दरवाजा उखाड़ लाए। काहे?
कहा है कि उसको रात को नींद में चलने की आदत है ना। रात बिरात उठता है, जाके दरवाजे से टकराता, भड़ से गिर के जमीन चाटने लगता है। एक दिन तो ऐसे टकराया कि उसका मुंह जो है बिल्कुल तकिया के भांति चपटा हो गया। पता नहीं चला कि उसका मुंह कहाँ है, उसकी आंख कहाँ है, उसकी नाक कहाँ है, इसलिए वो घाट लाए। अच्छा किया। छत भी ले आए? नहीं नहीं, तो कोई काम तो दो। अरे अब हम तुमका का काम है? कई लोग कटिया जाड़ा लगे। ये किसकी कटिया उठा लाए? कटिया भाई की। तो ये, अरे तो ये कहाँ सोएगा? कौन? हमरा भाई। वो सोता कहाँ है? रात भर हमारे दरवाजे के बाहर पहरा देता है। हमें नींद में चलने की बीमारी जो है ना। अच्छा तो ई बात है। और नहीं तो कहा, खाट खाली पड़ी थी, माँ कहती थी बेच दो, हम कहते थे रहने दो, भाई मरेगा तो उसे शमशान ले जाने के लिए काम आएगी। अब तुम आ गई हो तो हमने सोचा कि भाई को शमशान ले जाने तक तुम्हारे काम आ जाएगी, इसलिए उठा कर आया। पहुँचाएगा साला चोरी तो शमशान पहुँचाएगा। तुम कहाँ जूते पे मुंह मारने चले आए? अरे ओ तोले की औलाद। अरे माफ करना, जूता हाथ से तो नहीं लगा? नहीं। आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? अकेले नहीं, फौज वाला हूँ, फौज। ये फौज कहाँ जा रही है? अपने अपने मर्दों की पिटाई करने। अच्छा वो हमारी शादी नहीं हुई? बहुत मारना छोड़ा नहीं। जम के मारो, जम के। अरे 12 बज गए लाला जी, ललाइन इंतजार करते करते थक जाएगी, और कितना तरसाओगे? अरे तनिक तरसते दो, तड़पने दो। वो कहती है ना कि गर्मा गर्म जलेबी फूक फूक के खानी चाहिए, नहीं तो ससुरी जबान जल जाती है। अरे लाला जी, ललाइन के रूप की बड़ी तारीफ सुनी है। कहते हैं सात गांव में इससे सुंदर कोई नहीं। तनिक इसके रूप का बखान तो करो लाला जी। अरे भैया का बखान करें, हम ठहरे खानदानी आदमी बिल्कुल, और हमारे खानदान में शादी से पहले वर वधु एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखते, पर सुना है बहुत सुंदर। हाय दैया, क्या गबरू जवान है, आज तो मजा आ जाएगा। प्रणाम। मेरे अंगनी में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगनी में तुम्हारा क्या कर रही, पूछे कहाँ है? हाय भैया, खबरदार लंगड़े, जो मेरे पति पर हाथ उठाया तो। अरे मुझे लंगड़ा बोलती है? हाँ तू लंगड़ा, तेरा बाप लंगड़ा, तेरा खानदान लंगड़ा। मार उसको, मार उसको, मार 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 मेरे पति को मारा, मैं तेरी दूसरी क्या और दूसरी। अरे छोड़, अरे छोड़, ए बहू तुझे शर्म नहीं आती अपने पति को मारते हुए? ये मेरा पति है तो ये कौन है जो मेरे साथ सुहागरात मना रहा था? हाय दैया, ये तो भुलवा है। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाइए, मुझे मार रहे। अरे दादा जी मुझे बचाओ। अरे शांत रहो, शांत रहो, काहे मार रहे हो? अरे तेरे बाप का कहा जाता है मारते तो? अरे हमारे दोनों के बाप का जाता है, ये मुझे मार रहे हैं। अच्छा है जो मारते हैं। अरे देखते क्यों, मारो सारे को मारो। अरे काहे मारोगे, आखिर हुआ काहे, कुछ बताओगे? अरे मारे नहीं तो क्या इसकी आरती उतारे? हमारी नई नवेली दुल्हन के साथ सो रहा था ससुरा। ये तो बहुत खराब बात है। अरे बोटी बोटी नोच डालूंगा। अरे खाली तुम बोलते रहते हो, बोटी करते तो हो नहीं। अबे हट सामने से। अरे उस दिन तो बहुत हमार मजाक उड़ावत रहे लाला, बलवा बीमार है, बीमार है, बहुत साथ दे रहे थे ना इसका, आज का है कमे की तरह गरम हो रहे हो लाला। अरे गरम कैसे नहीं होंगे, शादी का आदमी रोज रोज करता है? नहीं। सुहाग रात हर रात को मनाई जाती है? नहीं। शादी कौन किया है? पैसा कौन खर्चा किया और सुहाग रात कौन मना रहा? क्यों का पटा? इसके बाप का राज है, वो भी भोगट में, बोलो। अरे भैया वो तो हम वक्त पे पहुंच गए, वरना ये तो हमारी लुगाई के साथ सुहागरात मना चुका होता, वो भी हमारे बगैर। अरे बहुत लफाड़िया है, हर रात को किसी ना किसी की जुरुआ के साथ सो जाता है, आज इसको मार के हमेशा के लिए लुड़काई दो। आज इसके हाथ पैर नहीं तोड़े
तो मैंने भी अपने माँ का दूध नहीं पिया। तो चलो हमला। बिजली बिजली प्यारी बिजली 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 को लाऊंगा दूर बना के, बिजली को लाऊंगा जोरू बना के, बिजली को लाऊंगा। क्या बे? मैं तुझसे हजार बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, और आखिरी बार के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। अबे तेरा कौन सा रास्ता? रात को नींद में चलने वाला लकड़ा भग्गा, तेरा कौन सा रास्ता बे? बिजली का रास्ता। बिजली? तेरा बिजली से क्या लेने देना बे? अरे मेरे भेजे की मलिका, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मेरे पेट की ठंडक। मेरे और क्या है रे? मैंने तुझसे कितनी मरतबा कहा बिजली का नाम लेने से पहले कुल्ली कर लिया कर, उसका नाम मेला हो जाता है, और जब वो तेरे सामने आया करे तो कालीन की तरह बिज जाया कर। वो तेरी होने वाली भाभी है। वो मेरी होने वाली भाभी नहीं, वो तेरी होने वाली भाभी है। देखा नहीं कितने प्यार से देखती है मुझे। तो क्या हुआ, हर भाभी देवर को प्यार से देखती है। अच्छा तो आज फैसला हो ही जाएगा कि वो किसकी भाभी है और किसकी बीवी है। मंजूर है, चलो आओ। झाड़ू की तलवार से तू मेरी गर्दन काट डाल, अगर तू मेरे अरमान मेरे कलेजे से उखाड़ नहीं सकेगा। बिजली मेरी थी, बिजली मेरी है, आगे मत बढ़, बिजली मेरी रहेगी, आगे मत बढ़। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे अरे क्यों झगड़ा करते हो रोज रोज? अरे छोड़ गला, छोड़ छोड़ ना गला, तू तो बड़ा है, तू तो छोड़। अरे देखा स्वामी, देखा तो हार निखट तू पिल्ले कैसे आवारा कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। हाय दैया। दैया नहीं, ये बिजली का भैया है। ये कैसा दिख रहा है? क्या आदमी इतनी हल्दी गिरा दिया? ये तो अच्छा हो मेरे कपड़े खराब नहीं हुए, तुमको तो नहीं लगा ना? नहीं। बिजली का छोटा भैया, अब ये देखो बिजली का पीला भैया। क्या रे? क्या रे? भैया किसको बोलता है? अरे 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 कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अभी तो नए बनवाए थे। हे भगवान, मैं क्या करूं इन बच्चों का। अरे बिजली आ गई तू, आजा आजा। ए, तेरे को बुला रही। आजा, चलो। थोला भैया, हम आपको राखी बांधने आए हैं। अरे हाथ आगे बढ़ा ना। अरे तोला भैया कहाँ गए? अरे तोला, अरे वो इधर गया होगा, पकड़ के ले आओ उसे। बांधो उसको भी राखी। देखो हमारी तबीयत बहुत खराब है, हम बहुत परेशान हैं। अरे क्या क्या कर रहे? अरे नहीं देखो, हाँ ये इतनी सारी राखी काहे के वास्ते? हाँ से ये सब तेरी बहने हो गई। ये चलेंगी, ये बिजली तो नहीं ना? हाँ? बिजली भी तेरी बहन हो गई, समझा? भाई का कान पकड़ते तेरे शर्म नहीं आती? चलो मैं अपने दूसरे गांव में जाके रहेंगे। अरे चुप रहे, कुछ भी बकता रहता है। चलो चलो दूसरे शिकार पे चलना है। संभाल के अपने पति को मत बांध देना।
आराम। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ यार, देख आज मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी है। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। रुको 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 जरा, रास्ता काहे रोक लिया, का काम है? तुम सबको राखी जो बांधनी है। कौन बांधेगा राखी हमें? मैं बांधूंगी। अरे बाहर, भैया। अरे गजब हो गया भैया, गजब हो गया। का गजब हो गया? अरे उस सबका राखी बांध रही है। अरे कौन? अरे बिजली। अरे ये तो बाकी गजब हो गया। भागो, आजा। क्या बात है माँ जी? अरे चल जरा, बहुत जरूरी काम है तो चल तो सही। अरे ओ बिजली, जरा तनिक इसे भी तो राखी बांध दे। हाँ हाँ बांध देती हूँ। अरे अरे बांध ना, देर काहे को कर रही है। बिरजू को क्यों नहीं बांधती राखी? कौन लगता है ये तेरा? हाँ हाँ, कौन लगता है ये तेरा? राजू भैया। अरे भाई क्या है? तुम जल्दी से दूध पी लो, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा। भैया पी लो ना दूध। ये क्या रोज रोज तू दूध का गिलास लेकर मेरे पीछे पड़ जाती है? इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है। कितनी पढ़ाई करती है, घर का सारा काम करती है, कॉलेज जाती है, और हाँ इस घर में दूध मेरे लिए नहीं तेरे लिए आता है। और तुम जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी किताबों में सर खपाते हो, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हो और रात को पार्ट टाइम जॉब करते हो, इसकी जरूरत तुमको ज्यादा है। ठीक है काम करते हैं, आधा दूध तू पी ले, आधा मैं पी लेता हूँ। पूरा दूध तुमको पीना पड़ेगा। अरे तू चुप करके पीती है कि मारू एक थप्पड़? बुरा भी। और क्या करती मैं? तुमने मुझे डरा जा दिया, छोटी बहन हूँ ना इसलिए इतना जोर चलाते हो। भाभी गाने दो तो? फिर देखना क्या कैसे उसके इशारों पे नाचोगे। मैं जोरू के गुलाम बन जाओगे। मैं गुलामी करूंगा? करोगे करोगे, वो दिन को रात कहेगी, तुम रात कहोगे। अरे देखेंगे देखेंगे देखेंगे। मुझे तो अभी साफ दिखाई दे रहा है, तुम झाड़ू लगा रहे हो, झूठे बर्तन साफ कर रहे हो। क्या बोली? लक्ष्मी की बच्ची, लक्ष्मी की बच्ची, मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा। अरे कब? अरे झाड़ू पोछा ही क्या, सुबह शाम खाना भी बनाओगे? ऐसा पकड़ के कान मरोड़ता हूँ ना मैं। लक्ष्मी 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 क्या कह रही थी? मैं उसके पाँव दबाऊंगा, उसके पाँव नहीं दबाऊंगा, तेरे पैरों में जंजीर बांधूंगा जिंदगी भर के लिए, समझी? अब कौन किसकी गुलामी करेगा, वो मेरी है मैं उसकी। हाँ भैया कॉलेज तो 10 बज गए। कॉलेज जोरू का गुलाम। तेरी मेरी जोरू का गुलाम बोलती, मैं और जोरू का गुलाम। दिखता है किसी को? दिखता ही नहीं आजकल। अरे यार सब बुक्स खराब हो गए, बारिश का दिन तो अच्छा, वो पानी से भरिए। हाँ? तो लड़की के पाँव यार। भैया दूध पी लो। नहीं दूध नहीं चाहिए मुझे। अच्छा बच्चे जिद नहीं करते, पी लो। अरे नहीं चाहिए यार। प्लीज भैया पी लो ना। नहीं नहीं नहीं, जब वो इतने प्यार से कह रही है तो पी लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, पी लेता हूँ। चोरू का गुलाम। ब्लाउज प्रेस करना है? ला मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूंगी। अरे लाओ ना, कुछ नहीं होता ना। अरे लाओ।
ओहो, भाभी का ब्लाउज प्रेस कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा लगे हाथ इस पे भी हाथ फिरा दूँ। हाँ हाँ, लगे हाथ भाभी के जूते बर्तन भी साफ कर देना। ठीक है, कर दूँ मैं। नहीं नहीं। और लगे हाथ भाभी के सैंडल की पॉलिश कर देना भैया। सैंडल पॉलिश नहीं, मैं तेरे भेजे की मालिश करूँगा। क्या हुआ? कुछ जल रहा है। क्या जल सकता है? भाभी का ब्लाउज। ब्लाउज चला दिया। अब ये क्या पहनेगी? तुम अपना कपड़ा दो उसे। मेरे कपड़े? मेरे कपड़े भाभी को तंग होंगे। तुम एक काम करो, तुम भाभी के लिए कुछ और कपड़े खरीद लो और साथ में एक शादी का जोड़ा भी। शादी का जोड़ा? हाँ, शादी का जोड़ा। तुम और भाभी फौरन शादी कर लो। शादी?